लॉकडाउन में शिक्षा बाधित होने के बावजूद भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत हुई दसवीं की परीक्षा में 78.17% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। वहीं प्रखंड स्तर पर बछवाड़ा प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय फतेहिया की छात्रा अंजलि कुमारी ने 468 प्राप्त कर प्रथम स्थान लाया, तो नारीपुर हाई स्कूल की छात्रा सोनाली कुमारी ने 450 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान लाकर अपने पंचायत गांव विद्यालय गुरुदेव माता पिता को गौरवान्वित किया। छात्र छात्राओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सन 2020 में देश एक व्यापक आपदा से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी शिक्षक माता पिता दोस्तों के सहयोग से कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास नोटबुक के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई पूरी कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। छात्र छात्राओं ने कहा कि हम डॉक्टर, IAS, IPS बनकर देश की सेवा करेंगे। वहीं लक्ष्य कोचिंग सेंटर फतेहा की छात्रा पठन में प्रथम स्थान तो परफेक्ट कोचिंग सेंटर नारीपुर की छात्रा पठन में दूसरा स्थान लाकर शिक्षण संस्थान का नाम रोशन किया। पिछले वर्ष परफेक्ट कोचिंग सेंटर नारीपुर का छात्र व सोनाली का बड़ा भाई सुधांशु कुमार प्रखंड स्तर पर दूसरा स्थान लाकर संस्था का नाम रोशन किया। परफेक्ट कोचिंग सेंटर के निर्देशक धनंजय कुमार ने बताया कि संस्था से करीब 100 बच्चे दसवीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें से 64 बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन किया, जिसमें से 10 से अधिक बच्चों ने 400 अंक प्राप्त किया, जिसमें सोनाली कुमारी ने प्रथम स्तर पर दूसरा स्थान लाकर हमें और अपने पंचायत गांव को गौरवान्वित किया। बीते वर्ष देश कोरोना काल से गुजर रहा था, उस व्यापक आपदा में भी छात्र छात्राओं ने नोटबुक, ऑनलाइन क्लासेज, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई पूरी कर आज अपना अच्छा रिजल्ट ला पाए। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से व्यापार रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को भी किसी न किसी रूप से बढ़ावा दिया जाए, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। कहते हैं ना, मेहनत करने से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। एक ऐसा ही कुछ परफेक्ट कोचिंग सेंटर में देखने को मिला। मात्र 20 वर्ष के शिक्षक राजेश कुमार ने गणित विषय में बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया कि बच्चों को याद हो गया और सबसे ज़्यादा गणित में 99 अंक लाकर शिक्षक का मान बढ़ाया। गणित विषय के शिक्षक राजेश कुमार ने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने से हर एक मुकाम हासिल किया जा सकता है। BT न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय के बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। बीत गए 2000 और बीते वर्ष में कोरोना काल के कारण पढ़ाई बाधित चल रही थी, उस बाधित पढ़ाई के बीच आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कैसे ग्रहण की? 2020 में कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण हमारा पढ़ाई बहुत ही बाधित हो गया। इसके बावजूद भी हम अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई को जारी रखे, इसमें हमारे सर, हमारे माता पिता और हमारे दोस्तों का भी पूरा सहयोग रहा। हमारे सर समय समय पर हमें गाइड करते थे और नोट्स भेज कर हमें पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए देते थे, ऑनलाइन पढ़ाई भी कराते थे। दसवीं कक्षा में आपको कुल कितने मार्क्स आए? 392। सबसे ज्यादा अंक आपको किस सब्जेक्ट में रहा? मैथ। आपका अगला उद्देश्य क्या है? मेरा अगला उद्देश्य है कि हम, जैसे हमारे बिहार में बहुत से परिवार गरीब हैं, जो जिन गरीबी के कारण जिन उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको मुफ्त में पढ़ाना और बहुत लोगों, गरीब लोगों की मदद कर। आप किस विद्यालय की छात्रा हैं? उच्च माध्यमिक विद्यालय नारीपुर। आप किस शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करते थे? परफेक्ट कोचिंग सेंटर। आपका शुभ नाम? सपना कुमारी। दसवीं की परीक्षा में कुल कितने सब्जेक्ट थे? 6। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको किसमें आया? मैथ। जी, मैथ। कितना मार्क्स? 95। टोटल मार्क्स आपके कितने आए दसवीं की परीक्षा में? 416। आप बीच में कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में बीते वर्ष जो थी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी थी और तमाम शिक्षण संस्थान व विद्यालय भी बंद चल रहे थे, उसमें आपने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की? GD करते थे और सर जी ऑनलाइन पढ़ाते थे तो पढ़ते थे और घर पर भैया भी पढ़ाते थे। ऑनलाइन किनके माध्यम से पढ़ाया जाता था? हाँ, ऑनलाइन किनके माध्यम से पढ़ाया जाता था? धनंजय सर के माध्यम से। हाँ। आपका अगला उद्देश्य क्या रहेगा? आर्मी बनना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? छोटू कुमार। आप कहाँ से निवास करते हैं? झमटिया।
कोरोना काल में शिक्षा बाधित होने के कारण आपने अपनी शिक्षा कैसे पूरी की और दसवीं कक्षा में बछवाड़ा प्रखंड में दूसरा स्थान लाया, इस पर आपका क्या कहना है? कोरोना काल में हमारी शिक्षा भले ही बाधित हुई लेकिन हमारे कोचिंग संस्था के शिक्षक बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर नोट्स भेज दिए थे और हमने लगातार मेहनत की, पढ़ाई की, इस वजह से हमें इतने अच्छे नंबर आए। इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसका सहयोग रहा? इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे शिक्षकों, माता पिता एवं परिवार का रहा है और साथ ही हमारे दोस्तों का भी रहा है। उनके साथ हम लोगों ने ग्रुप स्टडी भी की है, ऑनलाइन की है। आपका अगला उद्देश्य क्या होगा? हम आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सोनाली कुमारी है, पिता का नाम संतोष कुमार शाह है, हम बैंक बाजार बछवाड़ा के निवासी हैं। आपका 10th में कितना मार्क्स आया? मुझे 10th में 90% आया है, 450 नंबर। सर आपकी उम्र क्या है? लगभग 20 साल। सर काफी कम उम्र में आप एक शिक्षण संस्थान में अपना समय हर पल देते हुए और आपके जो छात्र छात्राएं हैं इस बार दसवीं की परीक्षा में काफी अच्छा मैथ में नंबर लाए हैं, इसके पीछे क्या यादा है और क्या उद्देश्य है? जब हम इंटर कंप्लीट किए थे 2017 में, उसके बाद सर को पता था मेरा मैथ ठीक है, तो सर बुलाए थे पढ़ाने के लिए। तो शुरुआत में पढ़ाए थे कुछ दिन, अच्छा परफॉर्मेंस देखे, उसके बाद बोले कोचिंग में जाने के लिए। तो यहाँ से लगभग इसे पिछला बार हाईएस्ट 97 था और लगभग 5 स्टूडेंट का 90+ था और इस बार लगभग 90+ वाला लगभग 10-12 स्टूडेंट है, जिसमें 99 हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट सर मैथ में कितना है? 99 जो आपके छात्र हैं? अभिषेक कुमार। सर आप बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे, जो यदि मेहनत यदि पढ़ाई में 100% दिया जाए तो बहुत रंग लाती है, जरूर रंग लाएगी। सर आपके इस शिक्षण संस्थान में कुल कितने बच्चे दसवीं की परीक्षा दिए और कुल कितने सफल हुए? मेरे कोचिंग में लगभग 100 बच्चों का नाम लिखा हुआ था, उसमें से लगभग 90-95 बच्चे प्रतिदिन आते थे और 90-95 बच्चों में से लगभग में 64 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, साथ ही 400 से अधिक बच्चों की संख्या 10 हैं। शेष बच्चे अधिकांश उसमें से सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुए, 1-2 बच्चे तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग रिजल्ट 100% रहा है। सर कोरोना काल में, बीते वर्ष कोरोना काल में पढ़ाई काफी बाधित चल रही थी और मैंने छात्र छात्राओं से भी बातचीत की, तो उस पढ़ाई बाधित के बीच आपने छात्र छात्राओं को कैसे शिक्षा व्यवस्था करवाई? कोरोना काल में जब पढ़ाई बाधित हुई तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को पढ़ाने वाली बात हो गई। दिमाग लगाया गया पर पढ़ाई तो बाधित हो गई है, शिक्षण संस्थान स्कूल सभी बंद है, परीक्षा तो सरकार लेगी ही, आखिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? तो दिमाग लगाया गया ऑनलाइन क्लास चलाया जाए, नोट्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, साथ ही साथ मोबाइल के जरिए बच्चों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना जाए और समाधान किया जाए। ऐसा ही कोरोना काल में हुआ, जिससे हमारे बच्चे अधिकांश सफल हुए हैं। सर जैसा कि अभी बीते वर्ष यानी बीत गए 2020 और वर्तमान में 2021 चल रहा है, बीच में 8 मार्च से 20 मार्च तक प्रवेशोत्सव के बहाने लोगों को, अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन फिर अचानक शिक्षण संस्थान और विद्यालय में पढ़ाई को लेकर रोक लगा दी गई है। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों एवं बच्चों के अभिभावक को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की बढ़ती हुई समस्या को देखकर फिर सरकार ने शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार बाजार खुला हुआ है, सभी व्यापार चल रहे हैं, किसी न किसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को भी चलने दिया जाए, पहले ही वह तरीका कुछ भी दूसरा क्यों ना हो। सर छात्र छात्राओं व अभिभावकों के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं छात्रों के बीच यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वास्तव में पढ़ाई को दिल और लगन से करें, और पढ़ने का जो तरीका है वह अपने गुरुजन माता पिता एवं बड़े भाइयों से प्राप्त कर उस स्थिति से पढ़ाई करें। यदि उस स्थिति से आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपकी कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सन 2020 में पूरा देश कोरोना काल से प्रभावित था और उस कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था जो थी पूरी तरह ठप हो चुकी थी, और उस शिक्षा व्यवस्था के बीच आपने अपनी शिक्षा कैसी पूरी की और आप दसम वर्ग में 400 से एवं अंक कैसे लाए? कोरोना काल में भी हम घबराए नहीं कि कोरोना काल की वजह से मेरा नंबर कम जाएगा, और हमारे परफेक्ट कोचिंग सेंटर के टीचर धन्य सर जी से ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे और हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहे, और बीच बीच में धन्या सर जी के द्वारा नोट्स मिलता रहा और हम सब्जेक्टिव की तैयारी करते रहे और ऑब्जेक्टिव खुद से हम तैयारी करते थे। आपका अगला मुकाम क्या होगा? हम आगे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं जी। जी हम आगे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। आपका अगला मुकाम क्या है? IAS ऑफिसर। अभी तक का जो आपकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी इसमें सबसे ज़्यादा आपको सहयोग किनके माध्यम से मिला? हमारे टीचर और मेरी माँ के। आप लोगों के बीच और छात्र छात्राओं के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने छात्र छात्राओं एवं लोगों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि जब कोई भी मुसीबत आए तो बिना मुसीबत के सामने बिना घबराए अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं।